भाइयों और बहनों, दीदी के तोलाबाजों ने गरीब को इतना लूटा है कि इसको अब दीदी के लोगों को हजम करना ही मुश्किल हो रहा है। बारासात को, उत्तर 24 परगना को, यहां को तो चाल चोर गिरोह का साक्षात अनुभव है। चाल चोर को जानते हो ना? चाल चोर से परेशान हो ना? ये चाल चोर से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, केंद्र ने कोरोना राहत के लिए मुफ्त चावल और चना भेजा। क्या हुआ? दीदी के लोगों ने लूट लिया। अम्फान राहत के लिए चावल भेजा, अम्फान राहत के लिए पैसा भेजा। क्या हुआ? दीदी के लोगों ने साथियों, जिस पर गरीबों तक चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वो खाद्य मंत्री इसी इलाके से है। गरीबों को लूटने वाले ऐसे लोगों की इस बार सिर्फ पराजय नहीं, सुन रहे हो भैया, सुन रहे हो, सिर्फ पराजय नहीं, उनकी जमानत भी बचनी नहीं चाहिए। करोगे? ये पक्का करोगे? घर घर जाओगे? लोगों को समझाओगे? जिन्होंने आपके पेट का चावल चोरी किया है, ऐसे लोग एक पल के लिए विधानसभा में जाने नहीं चाहिए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, दीदी से पश्चिम बंगाल को बहुत उम्मीदें थी। मां माटी मानुष की बात कहने वाली दीदी से संवेदनशीलता की उम्मीद थी, लेकिन दीदी ने क्या किया? अम्फान चक्रवात ने गरीब की बाड़ी, उसके सपने, उसका सब कुछ छीन लिया था, तबाह किया था। जितना दर्द चक्रवात ने दिया, उससे ज्यादा दर्द आपको दीदी के विश्वासघात ने दिया है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, दीदी आप इन गरीबों की गुनहगार हो। आपने सिर्फ गरीब का घर ही नहीं लूटा, बल्कि इस मुश्किल समय में जो मनरेगा का भरोसा था, उसका लाभ भी दीदी के तोलाबाजों ने छीन लिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अम्फान की बर्बादी किसी का मजहब, किसी की जाति देखकर नहीं आई दीदी, लेकिन आपके कुशासन ने हर वर्ग, हर मत,
हर मजहब के लोगों को निराश किया है। अब यही लोग आपके शासन को उखाड़ फेंकने वाले हैं दीदी। हर बंगाली कह रहा है, हर पीड़ित कह रहा है, हर दुखी नागरिक कह रहा है, पूरे बंगाल के हर कोने से मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं, एक ही संकल्प नजर आ रहा है, एक ही इरादा दिख रहा है। हर बंगाली यही कह रहा है, 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई, 2 मई, 2 मई, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, बीजेपी, 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 बीजेपी।